नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में इस सवाल के बारे में बात करेंगे जो कि स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल ऐसे मिलते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इन सवालों को जल्दी से हल करने के लिए क्या अच्छा तरीका होता है, बेसिक तरीका भी होता है, लेकिन हम लोग बेसिक से बिल्कुल नहीं हल करेंगे क्योंकि वो स्कूलों में सिखाया जाता था। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन सवालों को हल करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, मैं आज आप लोगों को बताने के लिए जाऊंगा, ठीक है ना। तीन अंक वाली संख्या, एक बात बताइए, तीन अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है? तो आप बोलिएगा 100 से लेके 999 तक, 999 तक, क्योंकि इससे पहले अगर बात करेंगे 99 आएगा, जैसे दो अंक वाली हो गया, इससे पार हो जाएंगे तो 1000 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 अंक वाली हो जाएगी। तो हमको बात करना है इसी के बीच का। तो एक बात बताइए, सवाल में क्या बोल रहा है कि जो इकाई का अंक है और जो सैकड़ा का अंक है एक दूसरे का दोगुना है, मतलब इकाई अगर एक होगा तो सैकड़ा इसका डबल होगा, ये सवाल बोल रहा है। आप सवाल पे देख लीजिए, इकाई का जो अंक है और जो सैकड़ा का जो अंक है वो इसका कितना है, डबल है। तो बीच में कोई एक अंक होगा, दहाई का अंक होगा, लेकिन दो और एक तीन हो चुका है पहले, अगर तीन हुआ है तो इसको 15 होना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा ऐसा क्यों, अरे ये एक है और इसका डबल कर दिया, सवाल में ऐसे ही बोल रहा है, सैकड़ा का जो अंक है वो इकाई का डबल है बोल रहा है, और दोनों मिलकर कितना हो रहा है, दो और एक तीन हो रहा है, और इसको 15 लिखना पड़ेगा, तब जाके अंकों का योग कितना होगा, 18, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है अंकों का योग कितना होगा, 18 होगा, जो कि ये 4 अंक का बन चुका है, पॉसिबल नहीं है। तो हम 2 लेंगे, 2 × 2 = 4 जल्दी बनाने के लिए, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो बीच में हमको 12 लेना पड़ेगा, ये फिर से अंकों का योग 18 तो हुआ लेकिन ये 4 अंक का हो गया, हम 3 ले लेंगे, 3 का डबल कितना हो गया, 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9, फिर एक 9 लेंगे तब जाके जोड़ेंगे कितना होगा, 18। हाँ, ये पॉसिबिलिटी बन रहा है कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये 396 कम है, कब, जब अंकों को पलट देते हैं तब, 3, 9, 6 माइनस करके जब हम चेक किए, अंकों को पलट दिए हम, क्योंकि उल्टा करके लिखना है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 आ गया, जैसे 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, आना कितना चाहिए था, 396 आना चाहिए था, अंकों को पलटने के बाद 396 आना चाहिए था, लास्ट डिजिट देख के हम समझ गए कि ये नहीं होगा। तो अब एक बार हम 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, अब लेंगे हम कितना, 4, अब लेंगे हम कितना, 4, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, अब लेंगे हम कितना, 4, अब लेंगे हम कितना, 4, तो 4 अगर लेंगे, 4 अगर लेंगे तो सैकड़ा कितना लेंगे दोस्त, सैकड़ा कितना लेंगे, तो आप बोलेंगे इसका डबल लेंगे, क्योंकि सवाल में तो ऐसे ही बोल रहा है, 8 और 4 कितना हो गया, 12, अब यहां पर कितना लेना पड़ेगा हमको, 6, तब जाके कितना हो जाएगा, 18, 8 और 4 = 12, क्योंकि इसका डबल लेना ही है, सवाल में बोल रहा है जो सैकड़ा वाला अंक है वो इकाई का कितना है, डबल है, तो कितना हो जाएगा मिला के, 18 हो जाएगा, 18। अब अंकों को पलट देते हैं, अगर 396 आता है तो यही आंसर होगा, मतलब संख्या में, तो 4, 6, 8, इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 396, इसका मतलब मेरा 864 ही वो संख्या है जिसके बारे में बात हो रहा है इस सवाल में। और क्वेश्चन क्या है कि सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक, तो सैकड़ा 8 है और दहाई 6 है का अंतर कितना है पूछ रहा है, सैकड़ा वाला अंक और दहाई वाला अंक का अंतर पूछा जा रहा है, तो कितना निकल के आया मेरा, 2, और 2 ही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही औसम सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा की नजरिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।